तहसील के खापरखेड़ा थाना अंतर्गत और कामठी तहसील के ग्राम वारे गांव के एक किसान परिवार की पुश्तैनी जमीन को सत्ता और धन बल के पावर का इस्तेमाल कर आम रास्ता बताने का प्रयास किए जाने का मामला उजागर हुआ है। एक और अनेक समस्याओं से जूझकर जैसे तैसे अपने परिवार का उदय निर्वाह करने वाले गरीब किसानों की भयावह दशा, अतिवृष्टि, बेमौसम बारिश और नैसर्गिक विपदाओं से दो दो हाथ कर अपना जीवन जगने वाले वारे गांव के किसान परिवार के खेतों में से सत्ता में अपना पावर रखने वाले रसूखदार ईंट भट्टी के मालिक और रेती चोरों ने उसके खेत से रास्ता बनाकर उन पर भुखमरी की नौबत ला खड़ी की है। वहीं कामठी तहसील प्रशासन पीड़ित किसानों की एक न सुनकर उस रास्ते को खोलने के फरमान छोड़ने लगा है। ग्राम वारेगांव के किसान हेमरा रामकृष्णा खड़से की पुश्तैनी जमीन वारेगांव कामठी रोड स्थित मच्छिंद्रनाथ मंदिर के सामने पटवारी हल्का 16 वारेगांव सर्वे खेत नंबर 20 है। 5.65 जमीन से उनके पिता रामकृष्णा खड़से ने पारिवारिक समस्याओं के चलते इसमें से 2 एकड़ जमीन बेची थी। अज्ञानतावश उक्त जमीन के बाजू में करीब 18 आर जमीन छोड़कर उक्त बिक्री हुई थी। उक्त खेती और खसरा नंबर 22 के बीच बची जमीन के बाड़ पर से आसपास के किसान मानवता के नाते पैदल आना जाना करते थे, जो आज भी शुरू है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ वर्ष पहले उक्त शिवार में पूर्व विधायक, सांसद आदि के रिश्तेदारों के साथ साथ कुछ रसूखदारों ने खेती खरीदी की और कुछ खेतों में ईंट भट्टे लगाना शुरू किया। इन रसूखदार किसानों के खेती में आवागमन हेतु ग्राम वारेगांव से कामठी मिलिट्री कंटोनमेंट तक का रास्ता उपलब्ध है, पर यह रास्ता दूर पड़ने से उन्होंने पीड़ित किसान हेमराज खड़से, मारुति खड़से निवासी वारेगांव और दुर्गा प्रसाद राय, ऋषिराज राय निवासी टेका नाका नागपुर के खेत सर्वे नंबर 20 और 22 के धुर से अवैध रास्ता बनाकर भारी वाहनों का आवागमन जारी रखा। उन्हें मनाई करने पर अपने रसूखों के चलते तहसील पुलिस मंडल अधिकारी पटवारी आदि का दबाव बनाकर पीड़ित किसानों को परेशान किया जा रहा है। पीड़ित किसानों और उपजे हालातों पर नजर डाली जाए तो पीड़ित किसान हेमराज खड़से और दुर्गा पी राय इनको मंडल अधिकारी कोराड़ी और वारे गांव के पटवारी द्वारा किसी भी प्रकार की पूर्व सूचना न देते हुए बार बार कार्रवाई को आ धमकना एक तरफा कार्रवाई है तो पुलिस का डर बताया जा रहा है या सहारा लिया जा रहा है। यह कामठी तहसील कार्यालय मंडल अधिकारी कोराड़ी और वारेगांव के पटवारी द्वारा बार बार की जा रही कार्रवाई संदेह को जन्म देती है, क्योंकि जब से इन किसानों ने वहां से ईंट रेती के भारी वाहनों की आवाजाही रोकी है, तब से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसलिए जैसे तैसे धननारायण और रसूखा का सहारा लेकर उक्त रास्ते को खुलवाने की जुगत लगाई जा रही है। वारेगांव के पीड़ित किसानों के खेत में अवैध रूप से रास्ता बनाकर जारी परिवहन को रोकने हेतु पीड़ित किसानों ने कामठी तहसील के तहसीलदार अक्षय पोयाम से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपकर न्यायिक गुहार लगाई, जिस पर तहसीलदार अक्षय पोयाम ने पीड़ित किसानों की बात सुनकर और उनके दस्तावेजों की जांच कर सहानुभूति पूर्वक उचित न्याय करने की और किसी पर भी अन्याय नहीं होने देने की बात कहकर पीड़ित किसानों को दिलासा दिया। वह पीड़ित किसानों ने राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस को निवेदन देकर जल्द से जल्द न्याय की गुहार की है। इन बीसीएन न्यूज के लिए खापरखेड़ा संवाददाता मयूर तिरपुड़े के साथ। रस्ताच केला इथं पांदन नाही ना काही नाही आहे, आमच्या वावरातून रोड केला आहे, जबरदस्तीनं रातोरात रोड बनवला आहे। हे इथून पडोळे आहे, पडोळे आहे आणि पुष्वा आहे आणि बिसन आहे। वडलोपारची आहे, 4 पिढ्यापासूनची आजोपंतपासून शेती आहे। आम रस्ता नाही आहे हा, आमच्या इकडे कास्तकार भरपूर होत्या। बरं, 4-5 लोक जे आमच्या इथून बैल बंडी बैल बंडे इथून जात होते। ये जमीन भैया हमारी है, याली जमीन। ये देखो ये रोड इन्हें कैसे बना दी है, ये आने जाने के लिए यहाँ से ट्रक के ले जा के पीछे वाले जितने ब्रिक्स की जो फैक्ट्री डाला है, ये यहाँ से पूरी गाड़ियाँ वगैरह ले जाता है और यहाँ से हमारे को खेती का बहुत नुकसान वगैरह हो रहा है। इधर में भी हो रहा है, इधर में भी हो रहा है। तहसीलदार साहब उनको लेटर बना के देते हैं, पता नहीं क्या कि यहाँ से रास्ता खोलो, यहाँ से रास्ता खोलो, जबकि रास्ता खुला हुआ है, और लाके हमारे ऊपर पुलिस का प्रेशर वगैरह बनाते हैं। किसान को तहसीलदार साहब के पास में आते हैं, वो तहसीलदार से लेटर ला। हाँ बिल्कुल, ये देखिए ना सर रोड, ये देखो ना इतना बड़ा, ये कोई रोड थोड़ी ना, ये अपने लिए नहीं, पहले रोड नहीं था। तो ये रोड किसने बनाया? ये ईटा भट्टा वाला। तो आपके खेत में से रोड गया, आपने तहसील प्रशासन है कलेक्टर दिया? मैंने सन 19 में दिया इसके खिलाफ में, तो उनने हमारे कोई दबा दिए और बोले रोड वहाँ से जाएगा, ऐसा होगा, पहले पास से रोड है, ऐसा हमको बताया, जबकि नक्शे वक्शे में कोई रोड नहीं गया।
यहाँ से कोई रोड नहीं है। हमने यहाँ का सर्वे किया तो यहाँ में एक पीछे से जो पांदन रास्ता है वो इनके लिए जाने जाने का रास्ता है। ऐसा भी सुना गया है कि ये किसी पूर्व खासदार और आमदार वगैरह के रिश्तेदारों की भी खेती पीछे है, इसलिए प्रशासन जांच करके है उसकी खेती है, उसने मेरे नाम से एप्लीकेशन दिया था, मैंने रोड बंद किया था। यानी आप ये देख सकते हैं कि ये जो नेता लोग हैं हमें सेवा का मौका दो ऐसा कह के और यहाँ किसानों के गले के ऊपर में हाथ रख के किसानों के साथ में उनके साथ में छल करके और अपनी सत्ता के सुख में इनके ऊपर में अत्याचार करने जा रहे हैं। मीडिया आपसे इसीलिए रूबरू हुआ है कि ये सारी चीज़ें मीडिया के माध्यम से महाराष्ट्र में जो सरकार बैठी हुई है, जो किसानों के हितैषी है, जो बोल रही है कि हम किसानों के हितैषी है, कृपया इस और ध्यान दे, अन्यथा किसानों की जो आत्महत्या के जो प्रकरण बढ़ रहे हैं इसी प्रकार से उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर ना किया जाए। सीएम पहुँचा है वारे गाँव के मच्छिंद्रनाथ मंदिर के सामने में, जो आपको देखने में आ रहा है मेरे पीछे में जो रोड है या मेरे पीछे में जो किसान खड़े हैं, तो ये बाजू में जो एक फैक्ट्री दिखाई दे रही है, इस ऐसी यहाँ अनगिनत फैक्ट्रियाँ पीछे में डाली हुई है और ये किसान के खेत में से पूरा रोड रातों रात इन्होंने बना लिया है। किसान ने अपने खेती का नुकसान बचाने के लिए एक छोटा सा गेट क्या यहाँ डाल दिया, बड़े वाहनों का आवागमन क्या रोक दिया, तो उसके ऊपर में जानलेवा हमले से लेकर तहसील प्रशासन से लेकर आरआई तक को सबको सेट करके ये जो खेत है ये हथियाने की पूरी साजिश इन रसूखदारों ने की है। इन रसूखदारों में महाराष्ट्र के बड़े बड़े नाम हैं जिसके अंदर में आमदार खासदारों के रिश्तेदार यहाँ पे हैं, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। इन BCN के लिए मयूर तिरपुड़े के साथ किशोर ढूंढेले, सावनेर। सावनेर तहसील संवाददाता किशोर ढूंढेले की ग्राउंड रिपोर्ट।